कस्तूरबा वाला है, उन सबके तो मतलब जमीन बहुत विवादी है, उसमें देखिए अगर कुछ होता है तो कह दो मतलब लफड़ा बहुत भारी है मुखिया जी। अरे छोड़िए ना सुमन जी, अगर थोड़ा मोड़ा देगा तो मतलब उसी में कर दीजिएगा, अगर नहीं देगा तो छोड़ दीजिएगा। थोड़ा मोड़ा देगा तो थोड़ी होगा, थोड़ा मोड़ा थोड़ी होगा, जैसे लफड़ा हम फंस भी सकते हैं इस पर, गड़बड़ाएंगे तो फंस भी सकते हैं। देखिए बात समझ लीजिए, लीजिए इतना ना कि थोड़ा सा अगलों को भी मैनेज कर सके हम, क्या कि हम लोग के भी ऊपर दबाव रहता है। अच्छा ठीक है, बात हम समझ रहे हैं, सरपंच जी के बोलिए, सरपंच जी को, सरपंच की मतलब जाके उधर उनसे मतलब बात उत करेगा, मतलब बोलिएगा मतलब 50-60 हज़ार देगा तो मतलब कर दीजिएगा। उतना नहीं ना देगा, इशारा सा कंजूस है। देखिए उसी में कम दम करके मतलब ले लीजिए। देखिए हमारा तो कम से कम चाहिए उसमें 15,000 रुपया। अच्छा 15-15 हज़ार दोनों पार्टी से चाहिए। हाँ आप लोग को जो अपना बनता है सो अपना हिसाब कर लीजिए, ताकि हम 30,000 से कम नहीं लेंगे। देखिए सुमन जी ऐसा है ना, बात सही है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है आपको मिल जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इधर हम बोलते हैं थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, उसी में मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अपना ही वार्ड के लड़का सर। हाँ तो वार्ड साहब आप जाइए और सरपंच साहब आप दोनों आदमी जाइए, और दोनों आदमी जा करके अपना मैटर को क्लियर कर लीजिए। थोड़ा चलते हैं मार्केट घूम करके आते हैं। चलिए घूम घूम के आते हैं। वार्ड साहब संतोष है वो 25,000 में मान चुका है, ठीक बा। और महावीरवा है जो 30,000 में मान चुका है, तो दोनों को मिलाकर 55,000 होगा। सुमन जी लेंगे 30,000, ठीक बा। और मुखिया जी को 4-5 हज़ार देकर उसको माना लेंगे, और हम दिनों 6-5 कर लेंगे। प्रणाम बैठिए। तो वो संतोष वा महावीरवा को 6-5 में मना लीजिए है। अच्छा ऐसा बात है, कितना देने के लिए रेडी है? 4,000 देंगे आपको। 4,000? चलिए ठीक है, उसमें से सुमन जी का हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलिए हो जाएगा तो मेरा जानते हैं ना, मेरा जानते हैं ना कितना है। जानते हैं आपको। कितना बोले थे? 30,000 आपको। हाँ तो ये बात को थोड़ा सा लीक नहीं होने दीजिएगा, अपना आपस में आप और मुखिया जी और व्हाट्सएप समझ लीजिएगा जो होगा से। और आप लोग चलिए, हम लोग आते हैं अभी स्पॉट पर, वहीं पर सर्वे कर लेंगे दोनों को और गांव वाला को लेकर के। चलिए जाइए, ठीक है जाइए, लेकर जाइए आप, हम मुखिया जी को गाड़ी से लेकर पहुँच रहे हैं। माइनस कर ले। मुखिया जी हाँ बोला, देखिए तनी लफड़ा उफड़ा ना बजे के चाहिए। मुखिया जी दंगा जमीन के दंगा हम समाधान कर बैठिए। संतोष जी बैठिए, लाइए वाला देखते हैं ना। देखिए तो ये ना कलम दीजिए। बैठिए बैठिए मुखिया जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए आप लोग, बैठिए रुक जाइए, आप लोगों का काम होगा, टेंशन मत लीजिए। कितना आपका जमीन में? हमारा है 2.5 कट्ठा। आपका कितना है? हमारा तो उतने है 2.5 कट्ठा, लेकिन हमार जमीन में जाके कथी करता है डेली के डेली। ओ मतलब कि आप लोग का पटीदारे है? हाँ पटीदारे है। नहीं तो मेरा जमीन में ही नल बनाता है, तो हम अपना जमीन छोड़ के घर बनाए हुए तब ना बना। मेरा जमीन अरे घर वाला बात कहाँ से आ गया, अभी तो हम लोग खेत में था। घर वाला पहले खेत वाला फरियाइए, पहले खेत वाला फरियाइए, ओकरा बाद घर वाला के फरिया दीजिए। तू लोग चुप रह बा। अरे भैया चुप रह, मतलब फरिया दी यहाँ पे काहे आइल न? अभी सुमन जी आइल ना यहाँ पे फरियाबे खातिर ना, तो तू लोग कहला हल्ला करत हो? तू लोग शांत रह, काम हो। तू फरिया दी, चुप रह, चुप चला, चुप रह, चुप रह। सरपंच साहब हां बोलिए, कथी से करवा रहे झूठ मूठ के कचरा, ये लोग छोड़ दीजिए, ऐसी लड़ के मर जाएगा। नहीं नहीं सर मुसलमान जी ऐसे मत करिए, फरिया दीजिए। तो आप लोग शांति से रहिएगा तब ना फरिया आएगा। हां शांति से रहेंगे। सुमन जी बोलिए, सब दोनों के मतलब इसने
फरिया दीजिए लोग के दोनों के कि मतलब आपस में झगड़ा ना। ये है जमीन माना है ये वाला से ये है ठीक है ठीक है फरिया दो। चलिए स्पॉट पर चलते हैं। चलिए 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 देखते हैं क्या मफला कर रहा है। चलिए क्या दिक्कत है इसमें बताइए तो। आप लोग पहले मुखिया जी इधर आइए और बाकी लोग आप लोग साइड हो जाइए। आप लोग को तो काम है नहीं, आप लोग सिर्फ मजा लेने के लिए चल जाते हैं। ए बउआ से तू गांव वाला सब रह तू सब इधर आ जा। मुखिया जी बोला एक आदमी इधर आ पाइए था। महावीर जी हां संतोष जी आप इधर आइए। महावीर जी आप उधर आइए। क्या दिक्कत है आपका ही खेत है ना। हाँ ये मेरा खेत है। असंतोष महावीर जी आपका ही खेत है। हाँ तो इसमें से उखाड़ के सब इसमें फेंक देता है जंगल। क्या दिक्कत है सरपंच साहब क्या दिक्कत है। आप तो देखे थे ना जब नपरा होता था। क्या दिक्कत है ये है ना जो इसका उखाड़ के आइए इसका जमीन में फेंक देता है। यही है। चलिए थोड़ा चौहद्दी देख लेते घूम करके। चलिए देख लीजिए। आपका खेत नाप ले दो हो जाएगा। आप देख के आइए बारिश हो रहा है ना। अच्छा है ना उपज गया। अरे ना धमाएगा मर्द हम ही किसान है बा हमरो घर बाय थी। आइए आइए चलिए देख तो लिए आप इसमें क्या देख रहे हैं। सब ठीक है। अब चलिए मेरा भी देख लीजिए। इधर ठीक है दोनों के कर देते हैं। दोनों के अपना अपना बंटवारा कर देते हैं। हां ये क्या दिया है कर दीजिएगा झगड़ा नहीं झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हो ऐसा कर दीजिएगा। हाँ क्लियर कह ही देते हैं। बोलिए आप क्या बोलिए। आप देख लिए ना घूम के। हम तो देख ही लिए सब कुछ। तो मतलब आप देख लिए तो इतना ही में आप जो हो रहा है वो कर दीजिए ठीक है। मतलब लोग आप लोग का हम पेपर बना करके ऑनलाइन चढ़ा देते हैं। हाँ चढ़ा दीजिएगा। मुखिया जी हर वाला मोबाइल बा दीजिए तो ठीक है देते। ये जो है ना यहाँ से बनाए थे ना ये बांध दीजिए इसे ऑनलाइन डायरेक्ट खाने चढ़ा देते हैं आपके सामने। ये दोनों लोग को हम बांट देते हैं। हाँ ठीक है बांट दीजिए। और खाली नक्शा बना करके अपलोड कर देते हैं। आप लोग का ऑनलाइन चढ़ जाएगा। इधर रास्ता है ना। हाँ हाँ पश्चिम से रास्ता हुआ। इधर से भी खेत है इधर से भी खेत है इधर से खेत है। हाँ हाँ जो अपना है सो इसमें आपका 417 है ना। हाँ मेरा 417। आपका कितना है। 416 है मेरा। 416। हाँ आपका नाम क्या। संतोष। संतोष पागल। संतोष पागल। आपका नाम क्या हुआ। महावीर महतो। ठीक है हो गया आज से आप लोग लड़िएगा नहीं। हो गया ओके फिर मोबाइलवा से ऑनलाइन कर देते हैं। कर दीजिए। खाता संख्या 316 है ना। खेसरा संख्या 416 417। नक्शा अपलोड कर देते हैं। कर दिए मुखिया जी। चलिए ठीक है कर दिए ना। ठीक है तो आप लोग का हो गया। ठीक है सरपंच साहब आप जाइए इन लोग को थोड़ा छोड़ दीजिए। चलिए हो गया आप लोग का मामला सही। ठीक है आप लोग भी जाइए भीड़ हटाइए। आप क्या कीजिए। नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने मेरा पार्ट टू देख लिया और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड दूसरों में शेयर करें। धन्यवाद। लाइक।